हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है, उस पर हम बात करेंगे, फेक जॉब, फर्जी जॉब और फर्जी जॉब इंटरव्यू। डियर स्टूडेंट्स, कोर्स करने के बाद से या जब भी आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद आपको जॉब की ज़रूरत होती है, आपको नौकरी की ज़रूरत होती है। आप भरपूर कोशिश करते हैं कि मुझे वो नौकरी मिले, हम उसको बेहतर तरीके से नौकरी पा सकें और फिर अपने लाइफ को एक नई दिशा दे सकें, तो हम प्लेसमेंट के लिए दौड़ते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि लोग जो है, कुछ लोग तो गाइड करते हैं आपको प्लेसमेंट के लिए, कई जगह आपको गाइड भी नहीं किया जाता है, आप अकेले हो जाते हो और आप अपने जॉब ढूंढते हैं। बात पे चर्चा करेंगे कि फेक जॉब से कैसे बचें, फेक इंटरव्यू से कैसे बचें, अपना समय और पैसा दोनों कैसे बचाएं और करना चाहिए आपको जॉब पाने के लिए, मैं सब आपको डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। जॉब प्लेसमेंट सबसे पहले तीन चीजों पे हमें चीट किया जाता है और वो टारगेट करते हैं किसको, फ्रेशर कैंडिडेट को। जो भी फ्रेशर होते हैं, जाहिर सी बात है जो फ्रेशर होगा वही जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगा, जिसे अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी कहीं ना कहीं उसकी सीवी मूव करती रहती है, कोई ना कोई उसे कॉल जरूर कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट की, तो यहाँ पर हमें चीट किया जाता है और उस चीटिंग में हम फीस, रजिस्ट्रेशन और जॉब इंटरव्यू, तीन चीज़ों में हम जाके फंस जाते हैं, क्योंकि हमें जॉब की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे चीट नंबर वन, पहला धोखा हम कहाँ पे खाते हैं। पहला धोखा हमको मिलता है, फ्रेशर कैंडिडेट है, पहला जॉब अवेलेबल, आपको एक कॉल आता है और चूंकि आप जॉब के लिए कई जगह आप डाल चुके होते हैं, अपने भेज चुके होते हैं इंटरनेट पे, वहाँ से नंबर देख लेते हैं, वहाँ पे कॉल करते हैं, तो इसी फिराक में वो लोग होते हैं जो आपको चीट कर पाए। फ्रेशर कैंडिडेट, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपसे क्वेश्चन होता है आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप बोलते हो हाँ सर फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, आपके लायक जॉब अवेलेबल है, आप क्या मतलब जॉब करना चाहते हैं, बेशक हर आदमी बोलेगा कि हाँ सर जॉब करना चाहते हैं, हाँ मैम जॉब करना चाहते हैं, हाँ मैडम जॉब करना चाहते हैं, ठीक है सर आप आ जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और आ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनको हम पहले जॉब को बताते हैं, जॉब के लिए उनको ऑफर करते हैं, उनका इंटरव्यू कराते हैं, तो जो पहले आएगा उसका होगा। तो सर अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाइए, ऐसा कह करके वे फ्रेशर कैंडिडेट को फंसाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, अब आता है चीट नंबर दो। अब धोखा हम कहाँ मिलता है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गए इंटरव्यू डेट के लिए और वहाँ पे हमें क्या बोला जाता है, सर ठीक है ये फॉर्म वगैरह भर दीजिए, भर के ओके हो गया। अब हमें बोला जाता है कि भाई सर आपने तो एक सिक्योरिटी वो सॉरी ये रजिस्ट्रेशन फीस आप एक जमा कर दीजिए, मिनिमम फीस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1000 से 2000 तक लेते हैं, तो 1000 तो एक फ्रेशर कैंडिडेट से इतना वह वसूली कर लेते हैं। इसके बाद वसूली करने के बाद से वो इंटरव्यू का डेट करते हैं, डेट के लिए जो है फॉर्म भरवाते हैं और फिर कहते हैं कि सर ऐसा है कि जॉब तो कंपनी की पॉलिसी आ गई है, नया पॉलिसी आई हुई है कि जॉब तो मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन जॉब आपने बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा, तो हमारा लॉस जाएगा, हमारा सारा मेहनत लॉस जाएगा, इसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी फी वो आपकी सैलरी का जो है 25% है, तो जितना भी आपकी सैलरी है उसका 25%, तो अब 25% सिक्योरिटी फीस आपको जमा करना होगा जो रिफंडेबल होता है, ठीक है, बाकी हम प्रोसेस में डाल रहे हैं। अगला तैयार हो जाता है, चलो भाई ठीक है 25% ही तो देना है, तो अगर आपका 10,000 सैलरी लगा तो उसका 25,000 रुपीज आपको 2,500 रुपये आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्सर लोग जो है 2 से 3 हज़ार रुपये सिक्योरिटी फीस के नाम पे जमा करा लेते हैं और ये बोलते हैं कि ये रिफंडेबल है, ये आपको वापस हो जाएगा, जब भी आप जॉब छोड़ेंगे वापस हो जाएगा या आपकी सैलरी में जुड़ के मिल जाएगा। अगला बंदा तैयार हो जाता है, चलो यार 2,000 रुपया मैंने जमा किया और मुझे जॉब मिल गया, ये भी रिफंडेबल है, चलो कोई बात नहीं, तो वो दे देता है। देने के बाद से क्या होता है, फिर उसके बाद से बार बार पूछता रहता है, मैम कब इंटरव्यू है, कब डेट है, वो काफ़ी उत्सुक हो जाता है कि चलो भाई जॉब मिल गया, वो अपने जितने भी चाहने वाले हैं मम्मी पापा सबको बता दे मुझे जॉब मिल गया है, इतनी सैलरी, और सैलरी भी काफ़ी हाई होती है, सैलरी तो 10,000 होती ही नहीं है, सैलरी आपकी होगी 40,000 50,000, इस तरह की सैलरी लोग बताते हैं।
अब देखिए मैं बात करता हूँ चीट नंबर 3, कहाँ पे धोखा होता है। आपने सिक्योरिटी फीस भी जमा कर दिया, 3 से 5 हज़ार रुपये आपने जमा कर दिया, फिर आपको बोला जाता है कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए इंटरव्यू के लिए। अब नेक्स्ट डे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे बोला जाता है सॉरी सर अब तो इंटरव्यू का डेट टल गया है, कुछ गवर्नमेंट इशू आ गया है, लेकिन यह इंटरव्यू जो होगा 7 दिन बाद होगा। यदि आप गांव से गए हुए हैं या छोटे शहर से बड़े शहर में दिल्ली गए हुए हैं, मुंबई गए हुए हैं, कोलकाता गए हुए हैं, तो अब सोचिए कि वहाँ पे कितना प्रॉब्लम्स होगा। आपको रहना भी है, होटल भी रखना है, पैसे भी आपको नहीं है, जो भी पैसे थे इन लोगों ने ले लिए है ना, आपने सिक्योरिटी जमा कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बाकी होटल का भाड़ा दे दिया, फिर खाना। चलो भाई आप किसी तरह से 7 डेज टालते हो, 7 डेज अगर कर लेते हो, अगर कोई मैनेज हुआ तो कर लेते हो, नहीं तो बोलते हो कि सर मेरे पास पैसे तो है नहीं, खत्म हो गए, 7 दिन में क्या करूँगा, ऐसा करता हूँ मैं जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो लोग कहते हैं ओके सर ठीक है, आप 7 डेज बाद में आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ये नंबर है आप कॉल करते रहिएगा, मैं आपको मेल से भी सूचना देते रहेंगे, ठीक है। वो बंदा अगर रुक गया तो ठीक है और वापस आया तो उनके लिए बेहतर होता है। अब धोखा क्या होता है कि 7 दिन बाद की बात होती है, 7 दिन बाद जो रुक गए या फिर पहुंच गए उनका एक फेक इंटरव्यू करा दिया जाता है, और फेक इंटरव्यू लोग करा देते हैं। कराने के बाद से कि बोलते हैं सिलेक्शन डन हो गया सर, और आपको एक फर्जी ऑफर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर लेने के बाद से आप खुश हो जाते हो, जिस पे सैलरी वगैरह सारा लिखा होता है, सब चीज़ होता है, ज्वाइन के लिए भी आपको दे दिया जाता है किस कंपनी में, और कंपनी का नाम तो सही होता है, कंपनी का नाम तो सही होता है, वो प्लेस भी सही होता है, वो प्रोजेक्ट भी सही होता है, सब चीज़ सही होता है, लेकिन आपका ऑफर लेटर फर्जी होता है। आपका इंटरव्यू फर्जी रहता है, ऑफर लेटर भी ऑफिसली आपका फर्जी होगा। अब वो फर्जी होने के बाद से आप चले जाते हो और आपको उसमें डेट दिया जाता है सर कितने दिनों में ज्वाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी ये सोचेगा कि चलो भाई मुझे टाइम लगेगा, वहाँ सेटल होना है, वहाँ आना है, तो मैम हम 10 दिन बाद ज्वाइन कर लेंगे, मैम हम 20 दिन बाद ज्वाइन कर लेंगे, तो लोग फाइनल सर हम 1 मंथ का टाइम आपको दे देते हैं, 1 मंथ में आपको ये फला तारीख को आपको जाके वहाँ रिपोर्ट करना है, ठीक है मैम। हम कह के वहाँ से चले आते हैं, बंदा वहाँ से करके चला आता है, लेटर लेके घर आ जाता है। घर आने के बाद से जैसे ही 25 दिन बीतते हैं, 25 दिन बाद एक मेल आता है और उस मेल में लिखा जाता है कि कुछ गवर्नमेंट इशू होने के कारण से ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया, ये प्रोजेक्ट कुछ दिन बाद शुरू होगा, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोक दिया है और अभी आपकी ज्वाइनिंग जो है वहीं पे स्टे है, जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होता है आपको कॉल किया जाएगा, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला परेशान, यार अभी तो जाने वाला था, सब कुछ पोस्टपोन हो गया, चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का इशू है, कभी ना कभी हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ना वो प्रोजेक्ट रुकता है ना कुछ रुकता है, आप वहाँ पे जाके पता भी नहीं करते हो। लेकिन जो ये कुछ लड़कों के साथ हुआ है 2018 में, बहुत से लोगों के साथ हुआ है जो लोगों ने बताया है इस तरह से उनके साथ फेक हुआ है। फिर अगर दूसरी बार उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया गया कि हाँ भाई उस ऑफिस पे कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे नहीं कहीं और बात कर लें, वहाँ पे जब बात किया जाता है तो वो नंबर भी बंद आता है, और अगर ऑफिस पे आप गए तो ऑफिस का लुक भी चेंज हो गया होता है, वहाँ कोई ऑफिस नहीं होती है, सब कुछ गायब हो चुका होता है, क्योंकि ये 1 महीने का टारगेट करते हैं, 1 महीने वहाँ पे चीट करने का प्लान बनाते हैं, और 1 महीने में कम से कम हजारों लोगों को चीट करते हैं और लाखों रुपए लेकर के उड़ जाते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, एक बात ध्यान रखें, कोई भी कंपनी आपसे, जरा सोचिए, कोई भी कंपनी जॉब के लिए आपसे पैसा नहीं मांगती है, आपका समय भी लॉस हुआ, आपका पैसा भी लॉस हुआ, सब चीज़ फर्जी रहा, 1 महीने तक कितना टेंशन आपने झेला, इसका अंदाज़ा वही आदमी लगा सकता है जिसने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी जो है आपको जॉब के लिए पैसे मांगती है या नहीं मांगती है, कोई भी कंपनी, ये रूल है, कोई भी कंपनी कोई भी पैसा नहीं मांगती है जॉब के लिए, कि मैं आपको जॉब दे रही हूँ, ये मेरी कंपनी है, आप आ जाओ, इतना पैसा जमा करो और जॉब करो। दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो आपसे पैसे मांगती हो जॉब के लिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए आपसे पैसे नहीं मांगता है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे लिख के रखती है, कोई भी पैसा मांगे, कोई भी मांगे तो आप पैसा न दें। इस कंपनी के नाम को से अगर कोई आपको कॉल करता है तो डायरेक्ट HR डिपार्टमेंट में आप कॉल करें, वहां से पता कर सकते हैं क्या सच्चाई है क्या गलत है। थोड़ी सी समझदारी अगर आप रखते हैं तो आप अपना बचाव कर लेते हैं। अब करना क्या है आपको, अगर आप, आपको भरोसा है, आपने जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में, जिस सब्जेक्ट में आप हैं,
तो वहां पे आप अपना प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी करिए और कंपनी की वेबसाइट पर जा करके एचआर सेक्शन में अप्लाई करिए, वहां अप्लाई करिए, वहां से कॉल आता है वो बात करिए। आप देखेंगे कि वहां से कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। अगर जिस तरह का जॉब आपका है, इंजीनियर लेवल का जॉब है या उससे भी और जॉब है, बेहतर जॉब है, तो बहुत सारी कंपनियां आपको आने जाने का खर्च भी देती, आने जाने का भाड़ा, टिकट भी दे, टिकट का पैसा भी देती हैं। तो जरा सोचिए, जब कंपनी खुद हायर कर रही है और रखने के लिए, कि वो कैंडिडेट ढूंढती है और उस पर वो पैसे इन्वेस्ट करती है, वो आपको नाश्ता भी कराती है, आपको ब्रेकफास्ट भी कराती है, आपको रहने का भी जगह देती है, इंटरव्यू होता है, सारा खर्चा भी बहन करती है। कुछ कंपनियों की पॉलिसी ऐसी है, सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी समझदारी से आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे और ये जो घटना घटित हुई है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि जहाँ भी पैसे की डिमांड होती है, जहाँ भी पैसे की मांग होती है इंटरव्यू के लिए, या वहाँ ज़रूर आप सावधान रहें। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके पैसे और समय दोनों को बचाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें